गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग क्या हाल चाल कैसे है आप लोग वेलकम टू दिसम यूट्यूब नीटमी अलकाइम और जहां पर आज से हम लोग एक न्यू सीरीज और ये सीरीज कंटिन्यूअसली चलने वाली है बिकॉज प्रैक्टिस सेशन है और डेली कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन मिलने वाले हैं सो वील वेट फॉर वन मिनट लेट चलो यार मेरे को मेरी आवाज आ रही है यार मैं कुछ ज्यादा सुंदर देख रहा हूँ <laughs> <laughs> चलो यार खुद को कॉम्प्लीमेंट देके हम लोग खुश रह रहे देख रहे हो ठीक है <laughs> एक एक बार बार मुझे मेरा आवाज आ रहा है एक बार कमेंट में hmm? hmm? yes? हाँ है में बता दो ना यार क्या जी ठीक मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को एक बार रुको यार मैं सब कुछ चेक कर लू इज एवरीथिंग इज फाइन गाइस चलो बहुत बढ़िया हाँ बहुत बढ़िया है सब कुछ आइए हम लोग बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करेंगे सौ क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस करेंगे जो कि वन ऑफ दी ग्रेट क्वेश्चन होंगे और आज वाले पेपर में मैंने जीनेटिक्स को बहुत अच्छे से बैलेंस करवाया है मतलब के मैक्सिमम क्वेश्चन को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए वो हमने इस पेपर में आज देखा है जी जी करवाया है ठीक है ठीक आइए एक बार सभी बालक और उनकी बालिकाओं को मतलब बालक और बालिकाओं को आ जाने दो उसके बाद बिगिन करते हैं नहीं तो बोले बालक और उनकी बालिकाएं आप क्या कहना चाहते हो ठीक है आ जाओ जी ठीक है चलिए सो बिगिन करते हैं लेट्स स्टार्ट स्टार Let's start, let's start, let's start. Hmm. मुझे लगा किसी और को बुला रहे हो ठीक ठीक है, थीक है। थोड़ा हंस लिया करो तुम्हारी जिंदगी में कंकाल हुआ है। चलो आ हम सेशन में क्या करने वाले हम सेशन में 100 करेंगे? 100 करेंगे जो कंप्लीटली आपकी एनसीआर होने वाली है जी थी, ठीक है? Okay, है तो अपना OMR, अपना ओएमआर अपना अपना कलम लेकर सॉल्व करना और जब रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो तुम्हारे क्या स्कोर्स नहीं, नहीं आया उसको पे कुछ भी गिफ्ट नहीं मिलने वाला है ठीक है क्या कह रहे हैं कि सर नोट्स कैसे बनाए देखो यार नोट्स बनाने वाला कौन बच्चा यार देखो दूसरों की गर्लफ्रेंड और दूसरों के नोट्स देखने में ही अच्छे लगते हैं ठीक है वो अपने किसी काम के नहीं होते भाई ठीक है

अगर आपके एक्सप्रेस हो जाते हैं अगर आपके दोनों अगर अगर पेयर में एग्जाम्पल तो है मुन्ना ब्लड ग्रुप ए बी है ना ए बी ब्लड ग्रुप इस बेस्ट एग्जाम्पल ओके अगला सवाल आइए जी विच ऑफ द ज ऑन वर्ड ऑफ एक्सटेंशन ड्यू टू लो रिपोडक्शन रेट अब लो रिप्रोडक्शन रेट सर किसका है जी वर्ड ऑफ एक्सटेंशन है कभी भी विकेट गिर जाएगा कभी भी विकेट गिर जाएगा इनका कौन है भाई वो कौन है क्या वो मेरे पास गाइन पांडा है यस सर ओके चलो आ जाओ बहुत बढ़िया अगले सवाल की ओर बढ़ते बिच ऑफ दिंग इज प्रेजेंट इन बोथ प्रो कैरियोटिक एंड यू कैरियोटिक सेल्स

और वहीं पर वहीं पर मुन्ना हेप्लॉइड किसमें होती है किसमें होती है ही, एंडोस्पर्म की वह ठीक है ओके अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं जी बिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन अब इंटरजेनिक का मतलब क्या होता है यहां पर पॉलीजीन्स मतलब पॉलीजेनिक है ना बहुत सारे जीन्स मिलकर जब किसी एक कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं ओके okay, यस yes. तो कौन है उसका एग्जाम्पल मुन्ना जी इंटरजेनिक जीन इंट्रेक्शन का पॉलीजेनिक जीन का तुम्हारे पास पॉलीजी अच्छा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का बेस्ट एग्जाम्पल कौन होता है जी होते हैं क्या ह्यूमन स्किन यस ह्यूमन स्किन कलर होते हैं क्या चलो अगला सवाल अच्छा एंट्री ऑफ दोलेन ट्यूब विथ टू मेल गैमिट अब देखो दो मेल गैमिट एंटर कर रहे हैं

कौन सा आयन वो कोई और नहीं बल्कि वो है मेरे पास पोटेशियम आयन सोडियम नहीं होगा यहां पे सोडियम नहीं मुंड पोटेशियम है ना अच्छा अब यही पोटेशियम जो है वो आपके पास गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी को मेंटेन करेगा तभी तो खुलेगा बंद होगा खुलेगा बंद होगा अच्छा अगला सवाल जो टर्म ग्लाइको कैलेक्स है इट इज यूज फॉर अब जो ग्लाइको कैलेक्स है जो टर्म है वो किसके लिए अपन यूज करते हैं ग्लाइको कैलेक्स ग्लाइको कैलेक्स टर्म को हम किसके लिए यूज करते हैं मुन्ना तो इट इज द लेयर सराउंड सेल ऑफ़ द बैक्टीरिया ओके, तो ठीक है, तो है. अगला सवाल अच्छा लॉस ऑफ क्रोमोजोमल सेगमेंट को क्या कहते हैं मुन्ना अच्छा क्यों होता है लॉस क्यों होता है इसका मेजर रीजन होता है मुन्ना डिलिटेशन है ना डिलिटेशन जिससे कि लॉस होता है जी आदो जी ऑफ दी फॉलोइंग ह्यूमन सेल्स डज नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया किनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है किनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो वो है मेरे पास आरबीसी अच्छा अब मेरा सवाल आपके लिए ये है कि जो आरबीसी है वो मेच्योर होने चाहिए मेच्योर आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है या इमेच्योर तो मुन्ना मेच्योर ओके मिच्योर आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है ठीक है आइए जी अच्छा बनाना किसका एग्जाम्पल है बनाना इस एक्जा, इस बनाना इज ऑफ ऑफ पार्थिनोकार्पी पार्थिनो पार्थिनोकार्पी पार्थिनोकार्पी किधर गया भैया का मतलब होता है कि फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर आप फ्रूट का फॉर्मेशन करते हो विदाउट फर्टिलाइजेशन उसे कहेंगे पार्थिनोकार्पी अगर किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करोगे विदाउट फर्टिलाइजेशन उसे कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस

जो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है मेरे में, वो किसमें डेवलप करता है मुन्ना आगे चल के वो डेवलप करता है मेरे एम्ब्रियो सैक के अंदर है ना वो हमारे एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होता है अगला सवाल फ्लावर फ्लावर इज फाउंड इन अब को अपन क्या कहते हैं मुन्ना क्लोस्ड फ्लावर कहते हैं तो ये किसमें देखने को मिलेगा मुझे वायोला कॉमन पेंसी कॉमन पेंसी ओके वायोला ठीक है ऑक्सैलिस कॉमन पेंसी है ना

इन दी फोटोसिस्टम सिस्टम वन चलो यार रुक जाओ व्हाट इज द प्रोसेस आदि आदिल क्या कह रहा है व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द टीचर भाई यार स्पैमिंग मत किया करो यार क्या क्या किस टीचर को लेकर आने का यार भी किसको लेकर आना तुमको खुद आके पढ़ाना है बाबू yeah. प्लीज यार जा कहीं और पे जाके यार ये चीज करो यार प्लीज यार सो सॉरी यार चलो इन द पीएस द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज अब्जॉर्प्शन पे कैट

अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी पूरे बायोस्पेयर का कौन है कौन है यार तो वही मेरे पास सनलाइट है ना वो है हमारे पास सनलाइट अच्छा ट्राइपामेथिन इसको अपन फैट्स भी कहते हैं क्या ट्राइपामेथिन इसकी आर की वैल्यू क्या होती है ट्राइपामेथिन की आर की वैल्यू क्या होती है जी 0.7 होती है जी ओके okay, 0.7 होती है अगला सवाल जी अच्छा परपस ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर भाई पर्पस क्या है हमारा हम लोग क्यों करवाते हैं ट्रीटमेंट क्यों टू रेड्यूस द बीओडी टू रेड्यूस द बीओडी अच्छा अगर बीओडी जितना कम होगा इसका मतलब क्या वाटर तुम्हारा लेस पॉल्यूटेड है वाटर इज लेस पॉल्यूटेड ठीक है अगला सवाल जी अच्छा अब देखो ईगल कैन बी प्लेस इन विच ऑफ ट्रॉपिक लेवल ईगल ईगल ये टॉप कार्निवरा है ये टॉप कार्निवर है टॉप कंज्यूमर है तो ये तुम्हारे पास टी फोर में आएंगे जी समय बिल्कुल वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे अगला सवाल अच्छा अरेंज इन अरेज इंडिंग ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस दिस इज वेरी क्वेश्चन इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए कैसे अरेंज करोगे जी स्पीशीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम एंड किंगडम ठीक है इस साल भी नीट में ये आया हुआ सवाल है आ जाओ जी अच्छा फंगस इम्परफेक्ट आई हम लोग किसे कहते हैं फंगस इम्परफेक्ट आई हम किसे कहते हैं मुन्ना हम कहते हैं ड्यूटेरो को ठीक है ड्यूटेरो को कहते हैं अगला सवाल अच्छा अब बहुत ही प्यारा सवाल है वन अ सिंगल जीन जब कोई सिंगल जीन इन्फ्लुएंस करता है बहुत सारे ट्रेड को उसे क्या कहते हैं जब सिंगल जीन बहुत सारे ट्रेड को जब इन्फ्लुएंस करेगा उसे क्या कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं मुन्ना प्लियोट्रॉपी

वैसे ही टेरिडोफाइट्स को हम लोग कहते हैं और रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम मतलब स्नेक्स। ठीक है अगला क्वेश्चन आएंगे सिंगल सेल्ड इंक्लूडेड इन बताइएगा सिंगल सेल्ड जितने भी यूकैरियोट्स है वो सारे -सारे किस में आएंगे जी मेरे? क्या वो मेरे पास प्रोटिस्टा में आ जाएंगे hmm? क्या वो हमारे प्रोटिस्टा में आएंगे यस yes. अगला क्वेश्चन बेल बियनी रिंग्स आर द साइट फॉर ये किसका साइट है बेल बियनी रिंग्स बेल बियनी रिंग्स किसका साइट है बेल बियनी रिंग्स आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस अगला जो न्यूक्लियोटाइड है मुन्ना वो किन किनसे मिलकर बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड शुगर फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस

बताया आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन एक एक तो सेल होगा सेल होगा है ना सैक और एक तुम्हारे पास ट्रिप्लॉइड ओके एंडोस्पम ठीक yes, है ये सब पॉइंट क्लियर है अगला सवाल जी गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन अब बताइएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स किसमें पार्टिसिपेट करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स

क्या मेरे प्यारे बालकों वो तुम्हारे जंपिंग जीन्स होते हैं उसको अपन कहते हैं जंपिंग जीन्स अगला सवाल अच्छा ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को अपन क्या कहते हैं ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को अपन क्या कहते हैं मेरे प्यारे बालकों इसे हम लोग कहते हैं अलील्स ओके okay, आजु जी एटीपी कैन बी फॉर्मड इन दोटो सिंथेसाइजिंग प्लांट सेल बाय अब बताओ एटीपी कैसे बनेगा एटीपी आपकी कैसे बनेगी

ंडलम ठीक है ये तुम्हारे सेकेंडरी जाइलम को डेवलप करता है में जाके डेवलप होगा अगला जी सोर्स कौन है मुन्ना मिनिरल न्यूट्रिय का मिनरल न्यूट्रिएंट्स का सोर्स कौन कौन है कौन है यहां पे मेरे ऑयल्स होते हैं मिनरल्स होते हैं और तुम्हारे रॉक्स होते हैं अच्छा इसका कोई एग्जाम्पल बताएगा फॉस्फरस साइकिल है ना फॉस्फरस साइकिल तुम्हारे किताब में लिखा हुआ है जी ओके अगला सवाल अच्छा कौन यहाँ पे रॉन्गली है? कौन रॉन्गली है? देखो ट्यूबर तुम्हारा पोटैटो बरोबर होगा बनाना बिल्कुल नहीं। हमारे होंगे। अगला क्वेश्चन अच्छा और स्लिम फाइट ये सब के सब कहां पे आएंगे ये सब के सब के तुम्हारे प्रोटेस्टा में आ जाएंगे ठीक है अगला क्वेश्चन अच्छा जो टमाटा होते हैं मेरे ग्रास लीफ में वो ग्रास किसका एग्जाम्पल है मुन्ना ग्रास किसका एग्जाम्पल है ग्रास किसका एग्जाम्पल है ये तुम्हारा मोनोकॉट का एग्जाम्पल है है ना मोनोकॉट का एग्जाम्पल है तो मेरे डंबल शेप्ड होंगे अच्छा जी अच्छा अब थोड़ा मिला जोड़ी मिलाइए जोड़ी मिलाइए अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या करेंगे मुन्ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो ये रिमूव करेंगे तुम्हारे पास पार्टिकुलेट कन्वर्टर मै, आ, मैटर्स को ओके okay, आइए स्क्रबर क्या करते हैं मुन्ना जी तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैस को रिमूव करते हैं प्रेसिपिटेटर आएगा नीचे ओके okay, आइए जी और कैटेलाइटिक कन्वर्टर क्या करते हैं जी तो ये लोग रिड्यूस करेंगे ऑटोमोबिल इमिशन को थोड़ा सा लिखने में एरर हो गया ठीक है चलो अगला सवाल अच्छा अब ये बहुत ही प्यारा सवाल है सवाल ये कह रहा है कि देखो कोई इंसान है ना मुन्ना वो मच्छी को खा रहा है फिश और फिश किसको खा रही है मुन्ना जूप लेंगटोन को खा रही है और किसको खा रहे मुन्ना जूप लेंगटॉन विच है हाँ स्मॉल प्लांट अब बताइए इस इस पूरे इस पूरे चेन में प्रोड्यूसर कौन है इस पूरे चेन में प्रोड्यूसर कौन है स्मॉल प्लांट है ना हमने मच्छी खाया भाई मच्छी ने किसको खाया जी जूप लेंगट को और जूप लेंगट ने स्मॉल प्लांट्स को आ दो जी अच्छा प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी अब देखो वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी कौन सा होगा ये मार्जिनल प्लासेंटेशन यस मार्जिनियल बेस्ट एग्जांपल क्या होगा इसका पी ओके okay, अगला सवाल जी अगला सवाल अच्छा फोटो रेस्पिरेशन शोज द फॉर्मेशन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन शोज द फॉर्मेशन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन देखो ना ही एटीपी बनता है ना ही तुम्हारा क्या कहते हैं शुगर बनता है द रीजन इज वॉट इसे अपन वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं अच्छा ये तुम्हारा फोटो रेस्पिरेशन किस प्लांट में चलता है जी ओके ये चलता है तुम्हारा सी थ्री प्लांट में चलेगा लेकिन सी फोर प्लांट में ही आपके एबसेंट रहते हैं अगला क्वेश्चन चलो मैच दी कॉलम आ गया मैच दी कॉलम आ गया जिंजर क्या होगा जिंजर अंडरग्राउंड स्टेम पंपकिन स्टेम टेंड्रिल्स बोगेनविलास और तुम्हारे फ्लैट एंड आपके स्टेम हो जाएंगे जी मतलब ऑप्शन नंबर वन मेरे करेक्ट होंगे यस ऑप्शन नंबर वन हमारे करेक्ट हो जाएंगे आदो जी कौन सा यहां पे ट्रू नहीं है मुन्ना इनब्रीडिंग को लेकर कौन यहां पे ट्रू नहीं है इनब्रीडिंग को लेकर ट्रू नहीं है अब देखो क्या इनब्रीडिंग हर दम इंक्रीज करेगा तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल नहीं बिल्कुल भी नहीं इनब्रीडिंग से होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन अगर कॉन्टिन्यूसली अगर इनब्रीडिंग होते रहा तो जी ठीक है चलो अगला सवाल अच्छा

ट्राई करो थोड़ा सा करने के लिए इसको और और कैसे करेंगे जी गोल के पैटस में नहीं मिलेगा राइबोसोम में भी नहीं मिलेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा न्यूक्लियस में मिलेगा और क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा डन अगला सवाल अच्छा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेड एक्सप्रेस बाय डब्लू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई रेस टू आर टी अब यहां पर ई e का मतलब क्या है मुन्ना ई e का क्या मतलब होता है जी द बेस ऑफ नेचुरल लॉग नीट आजकल ये सवाल पूछ रहा है ठीक है आइए जी अच्छा परपलीस अब तुम्हारा जूलॉजी सेक्शन चालू हो गया hmm? परपलीस रेट पिगमेंट रोडोप्सिन अब रोडोप्सिन मतलब कौन सा विटामिन आंखों में आंखों में विटामिन ए ठीक है आ जाओ जी अच्छा अब देखो स्टेनली मिलर ने हार्ड पुट द ऑपेरॉन हेल्डेन थ्योरी टू टेस्ट इन 1953 बाय द क्रिएटिंग इन द लेबोरेटरी ठीक है आइए जी अच्छा अब उन्होंने मुन्ना कौन कौन से मिक्सचर ली थी हु? उन्होंने कौन कौन से मिक्सचर ली थी मिलर ने कौन-कौन से ली थी? तो हमारे पास हाइड्रोजन था अमोनिया था मिथेन था और वाटर वेपर था मुन्ना यहां पर 800 डिग्री सेंटीग्रेड था क्या हमारा टेम्परेचर था 800 डिग्री सेंटीग्रेड है ना एट हंड्रेड ओके अगला सवाल किसका परमिशन है मुन्ना

फाइलम आर्थ्रोपोडा को सर यहां पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है फाइलम आर्थ्रोपोडा को एग्जांपल बताइएगा देखो पफर फिश नहीं फ्लाइंग फिश कटल फिश नहीं होगा हाँ सिल्वर फिश होती है अच्छा सिल्वर फिश का नॉर्मल नेम क्या है भाई सिल्वर फिश का नॉर्मल नेम क्या है कैन एनी वन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन जल्दी बताओ यार सिल्वर फिश फाइलम आपको आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलती है अब नॉन प्रोटीनियस एंजाइम कौन है मुना नॉन प्रोटीनियस तुम्हारे पास कौन होगा जी राइबोजाइम है ना ओके राइबोजाइम तुम्हारे पास नॉन प्रोटीनियस एंजाइम्स होते हैं आज हो जी इन द ह्यूमन फीमेल जो ब्लास्टोसिस्ट होती है बॉम्बेक्स वेरी गुड कौन था वो बॉम्बेक्स वाला हाँ सेल क्या है लेकिन वो लेपसिमा हेक बॉम्बेक्स होगा ना कि जोन में तुम खेल रहे हो भाई

वो सर्टोली सेल्स देते हैं जी अगला सवाल जी अच्छा रिलीज ऑफ स्पॉम फ्रॉम दिस सेमिनी फॉर टिब्यूल इज कॉल्ड अब नीट में इस साल तुमने कांड किया इस क्वेश्चन को लेकर रिलीज ऑफ स्पॉम फ्रॉम दिस सेमिनी फॉर टिब्यूल इज कॉल्ड इस, इस परमिएशन इसको अपन क्या कहते हैं मुन्ना जी इस परमिएशन कहते हैं जी डन आज अगला सवाल डिजीज विच इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द लो लेवल इन द गिवन पॉपुलेशन अब देखो कोई बीमारी अगर बहुत ही कम एरिया में रहेगी ऐसे बीमारी को अपन क्या कहते हैं इसे कहते हैं अपन एंडेमिक अगर वो फैल गए तो बन जाएगी पेंडेमिक ठीक है आइए अगले सवाल की ओर एंजाइम विच इज यूज टू ज्वाइन दी नोबल जीन्स अगर हमें जोड़ना होगा नोबल जीन्स को किसको यूज करेंगे हम लोग हम लोग यूज करेंगे सर लाइगो आज अच्छा कॉम्पिटेटिव इनिमिटिक डीहाइड्रोजनेस का कौन है भाई थोड़ा बताओ यार कौन है कॉम्पिटेटिव इनिबिटर क्या वो मेलोनेट है यस yes, सोर मेलेट Ma नहीं मेलोनेट मेलोनेट ठीक है अगला सवाल जी अच्छा जो स्केलेटन आपका स्पॉन्ज का वो क्या सिक्रीट करता है स्क्लेरोब्लास्ट कितना सिंपल क्वेश्चन है यार जो तुम्हारा स्केलेटन है जो स्पॉन्ज के सिक्रेटेड बाय आपके स्क्लेरोब्लास्ट अगला अकॉर्डिंग टू देखो अब आप लोगों ने सुना होगा मुन्ना क्या

अगर मैं रिसेप्टर को निकाल दूंगा तो कोई भी हॉर्मोन जाके रोल प्ले नहीं करने वाला yes? अगला सवाल जी ओरिजिनेटिंग इन द बोन मैरो दिन तक घूम रहा पार्टी कर रहा है बताइए कौन है वो क्या वो मोनोसाइट्स है वो मेरे मोनोसाइट है अगला सवाल अच्छा आर रिप्रेजेंटेड बाय कॉर्पोरा चार्ट होते क्या दो तो सुनने के लिए और दो तो तो देखने के लिए कॉर्पोरा अगला क्वेश्चन जी अच्छा ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है मेरे सारे प्लस वाले बच्चों को इसके बारे में पता होगा उनको एकदम मैं तोड़ के पढ़ाया था इसको बताइए ये ए क्या होगा तुम्हारे पास हेड होगा हुँ? ओके ये बी क्या होगा जी क्रॉसम होगा हुँ? ये सी तुम्हारे पास एटीपी बाइंड बाइंडिंग साइट और डी जो नीचे वाला होता है ना वो तुम्हारा ATP binding site होता है जी, जी। अगला क्वेश्चन अच्छा joint जो है तुम्हारे पास atlas और में किस प्रकार का ज्वाइंट ये? तो ये का एग्जाम्पल है आजो जी अच्छा जीन क्लोनिंग के लिए अपन अपन किसको किसको करते हैं के लिए करेंगे वी 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 यूजिंग अगला क्वेश्चन अच्छा प्रोस्थाटिक ग्रुप जो है मुन्ना वो को एंजाइम से कैसे डिफर करता है प्रोस्थाटिक ग्रुप को एंजाइम से कैसे डिफर करेगा प्रोस्थाटिक ग्रुप प्रोस्थाटिक ग्रुप देखो मतलब प्रोस्थाटिक ग्रुप सर टाइटली बाउंडेड टू एपो एंजाइम्स क्या तुम्हारे टाइटली बाउंडेड होंगे यस सर आ जाइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पे इनकरेक्ट है यार कौन सा स्टेटमेंट यहां पे इनकरेक्ट है अरे भैया कोलेजन इज ज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर बिल्कुल नहीं 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 सर कोलेजन तुम्हारे पास एनिमल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा होता है और रुबिस्को तुम्हारे पास क्या कहते हैं आ, प्लांट के अंदर ठीक है ना ठीक है तो ये तुमको समझना पड़ेगा यार अगला सवाल अच्छा असर रीजन आ गया आपके पास एक मस्त वाला अच्छा क्या कह रहा है कह रहा है कि मास सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी रिलीजेस द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इंफ्लामेटरी केमिकल्स ज कॉज़ द एलर्जिक रियक्शन बात एकदम सही है सर रीजन एलर्जेंस इन दीचिंग ह्यूमन बॉडी सर्टन इंडिविजुअलेशन होता है अगला सवाल कौन यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट में रिमूव करता है जी वो कौन सा ट्रीटमेंट है

एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाईन तुम लोग एम्प्लीफिकेशन कितना गुना कर सकते हो बाईर टाइम्स आज अब कोलेस्टेरॉल जो है मुन्ना वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है कोलेस्टेल कोलेस्टेरॉल किससे बिलोंग करेगा ये स्टेरॉयड्स है ये तुम्हारे तो पास स्टेरॉइड होती है जी

इसको एडिनल मेड्यूला बनाता है है ना है कि नहीं बिकॉज इंजरी कॉन्टेक्स पर हुई है तो मेड्यूला तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है ना तो वो तो वो बनाएगा जी, अच्छा कंडीशन इन किडनी किडनी फेल्स टू कंजर्व वाटर देखो मुन्ना वाटर कंजर्व नहीं कर पा रहा है मतलब क्या एडीएच की डिफिशियंसी हो गई है ऐसे बीमारी को अपन क्या कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं ठीक है, है? आज अगला सवाल अच्छा अब एयर का पार्शियल प्रेशर क्या होगा जी मुन्ना ऑक्सीजन वन नॉट फोर एमएमएच जी बच्चों को भी याद है सारे बच्चों को याद है करेक्ट अबाउट प्लाजमेड कौन करेक्ट नहीं है यहां पर कौन यहां पर प्लाज्मेड को लेकर करेक्ट नहीं है जी आज मुन्ना इट्स डीएनए इज लॉन्ग नहीं सर सर्क्यूलर होता है सर्क्यूलर डीएनए आजो जी अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज कब होगा बताओ यार

है ना तो भाई आ सकता है सवाल इसके ऊपर अब एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है मुन्ना वो कैसे होता है जी किस मेथड से होता है तो वो सिंपल डिफ्यूजन से होता है अगला क्वेश्चन ब्लड प्रेशर इज मेजरड बाय किससे स्टेटोस्कोप है किससे होगा जी ओके okay, स्फिग्मोमैनोमीटर अगला जी स्टिमुलेशन ऑफ द मसल फाइबर बाय द मोटर न्यूरॉन अकर्स एट कहां पे होता है ये पूरा ज्यादा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ा होगा अट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ठीक है ठीक है ये सर चलो आ जाओ जी अगला सवाल अरे फटाफट करना ना क्वेश्चन में क्या करना है अपने को अच्छा कौन सा एंजाइम है यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए बता यार कौन है वो कौन है क्या वो कार, आपका कार्बोनिक एनहाइड्रस है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रस अच्छा मैच दी कॉलम करते हैं आइए सिट्रिक एसिड साइक्लोस्पोरिन ए एस, स्टेटी और ब्यूट्रिक एसिड सिट्रिक एसिड एसपर गाइलस ओके okay? और और नहीं 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 गल, गल, गलत 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 है का है का है Statines, और Acid Clostridium. का है तुम्हारे मैं रहा हूं? चलो आ दो अब ये बहुत ही मस्त है आ गया मैच दी कॉलम क्या कह रहा है फैटी एसिड तुम्हारा पालमेटिक एसिड फॉस्फोलिपिड लेसिथिन ओके आइए जी एरोमेटिक तुम्हारे पास

बताइए क्या है वो कनेक्टिव टिश्यू यस अगला क्वेश्चन कौन यहां है? कौन यहां है? है? देखो एग्रोबैक्टीरियम है मुन्ना वो ट्यूमर कॉज करते हैं क्या सेल अगर आपको याद होगा तो हुँ? चलो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को अपन क्या कहते हैं जो कैंसर को कॉज करेगा उसको कार्सिनोजेंस ठीक है आजोजी आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड कार्टिलेज की जो बाहरी कवरिंग होती है उसे क्या है कहते हैं अपन कोंड्रिन कहते हैं क्या कि कार्टिलेज है ना कार्टिलेज तो पेरिकॉन्ड्रीअम आ जाओ जी अच्छा जी किसके पास सिलोम नहीं होता दे आर असिलोमेट्स क्या वो तुम्हारे प्लाटी प्लाटीएलिमेंटेसिस हैं यस गोली मारिए आगे बढ़िए आ जाओ इको क्या है मुन्ना इकोआर1 एक प्रकार का क्या है जी प्लाज्मिड है ये एक प्रकार का मेरा प्लाज्मिड होता है जी ठीक है प्लाज्मिड होता है कौन तुम्हारे पीबीआर थ्री टू टू तुम्हारा प्लाज्मिड होता है ये एक प्रकार एंजाइम है पीबीआर थ्री टू टू तुम्हारा प्लाज्मिड है आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है ये सेम क्वेश्चन में तुम लोग गलती करते हो हर बार जाओ पेलेग्रा इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ पेलेग्रा किसके डिफिशियंसी से होगा नियासिन ओके नियान का डिफिशियंसी पेलेगरा होता है जी ओके ठीक है चलो अगला सवाल अच्छा अगर विटामिन सी की अगर डिफिशियंसी हो गई तो मुन्ना क्या होगा विटामिन सी की अगर हो गई तो आज ही हम लोगों ने किया मुन्ना ओके स्कर्वी हो जाएगा ओके अच्छा हो गया क्या पेपर क्या बात है यार सौ में से कितने नंबर आए देखो आज हम लोगों ने पेपर है ना मॉडरेट बनाए थे

Uh, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो भरपूर आके कमेंट करके जाना ठीक है कमेंट में कोई रुकावट नहीं है ठीक है बस कल सुबह कल सुबह हम लोग दस बजे मुन्नाडमी के स्पेशल पे क्या चालू कर रहे हैं प्लांट फिजोलॉजी के एनसीआर टू ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स आज पढ़ लेना रात को ठीक है बाबू डन चलो पिंकी प्रॉमिस चलो बाबा गैस यू

आज रिवीजन हो गया आपने तो थर्टी नाइन मिनट में ही करा दिया यस yes. अपन हीरो ना बाकी सब जीरो ना <laughs> अपन ट्राई करेंगे यार क्योंकि देखो तो पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है अब कल अपन एक अच्छा पेपर लेके आते हैं है ना और कल अपन देखते हैं ठीक है ओके डन चलो भागो फटाफट वीडियो लाइक मार दो यार यार ये ये काम करो वीडियो लाइक मार दो वीडियो लाइक ही नहीं मारो कितने कंजूस बच्चे हमारे ठीक है लाइक मारो ठीक है चलो बाबा गाइज मिलते हैं थैंक यू गाइज जय बाय